नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा जिले से है। मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भाटी सेगर के हरई मुड़हान गांव में कल दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद उससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीमांकन करने गए पटवारी के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा। पर आश्चर्य की बात यह है कि आखिर किन वजहों से पटवारी द्वारा इस घटना को छुपाने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस थाने में रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं कराई गई है। वायरल वीडियो में सीमांकन करने पहुंचे पटवारी के साथ मारपीट और फिर उसके बाद हुए खूनी संघर्ष के बीच पटवारी के द्वारा अपने साथ हुई मारपीट के घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराने से वह खुद सवालों के घेरे में है। इस वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि भाटी सेंगर पंचायत के हल्का पटवारी प्रमोद मिश्रा सीमांकन करने हरई मुड़हान गांव गए थे। सीमांकन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद होने लगा। विवाद होते देख पटवारी सीमांकन बंद कर अपनी स्कूटी वाहन में सवार होकर जाने लगे। तभी एक पक्ष ने रोक कर उनके साथ हाथ घूंसों से पिटाई कर दिया। पटवारी किसी तरह मौका पाते ही वहां से भाग निकले, पर इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पटवारी के साथ मारपीट होते देख स्थानीय लोगों ने पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मारपीट में घायल दोनों पक्षों ने पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाई है, पर पटवारी द्वारा अभी तक पुलिस थाना मऊगंज में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है। ज्यादा वीडियो बनल है। पटवारी के साथ मारपीट हुई है क्या? ये एक अभी सूचना मिली थी कि मऊगंज थाना क्षेत्र में एक पटवारी से मौत की कारण से उनके साथ मारपीट हुई है और इनके आवेदन के अनुसार अग्रिम इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें जो भी आरोपी बढ़ जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई।